दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम डहेलिया की केयरिंग के बारे में सीखने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज बहुत ही कोहरा है और चारों तरफ धुंध छाई हुई है। और इस समय बसंत का सीजन भी आने वाला है, तो बहुत सारे फूल खिलने वाले हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे डहेलिया में कितने सारे बर्ड्स लगे हुए हैं और इनमें नए नए शूट्स और नए नए फ्लावर्स के जो बर्ड्स हैं वो अभी डेवलप होते आपको दिख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मेरा ड्वार्फ वैरायटी है, तो आपको इसमें बहुत ही स्मॉल फ्लावर्स दिख रहे हैं और उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो जो बिग वैरायटी होता है उसमें थोड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं और शायद सिंगल या फिर डबल आते हैं, लेकिन अभी ये मेरा ड्वार्फ वैरायटी है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फ्लावर्स आते हैं। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग स्टेप्स में, कैसे कैसे इसे कौन से फर्टिलाइजर्स देने चाहिए। तो मैं तो नेचुरल ही प्रिफर करता हूँ, तो आप सभी को नेचुरल फर्टिलाइजर्स के बारे में ही बताऊँगा। और ये देखिए, जो बहुत ही इकोनॉमिक और किफ़ायती हैं, ये है ऐश, जिसे राख भी कहते हैं, और ये वुड ऐश है। ये आमतौर पर आपके यहाँ ठंड में लकड़ियों को जलाया जाता होगा या फिर वैसे भी, तो या फिर पत्तों को, तो वही राख आप इकट्ठा करके रख सकते हैं। और आप देखिए, इसमें थोड़ा वाइटिश पार्ट ज़्यादा है, क्योंकि जो वुड वाली वाइट वाली ऐश होती है वही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है इसमें यूज़ करने के लिए फर्टिलाइजर्स के तौर पर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसी ऐश को अच्छे से वाटर में मिक्स कर देंगे और बस इसमें ऐड कर देंगे। ये इसमें पोटेशियम होता है और फास्फोरस भी थोड़ा अमाउंट में होता है, सोडियम भी होता है, जिसके फ्लावर्स को खिलने में बहुत सारी मदद करेगा। तो आप इसको वीक्स या फिर 2 वीक्स के इंटरवल पर, जैसे आपके फ्लावर बड्स हैं वैसे आप इसमें ऐड अप करते रहिए। लोग दूसरा मेथड सीखने वाले हैं, जिसमें हम लोग इतने सारे बड्स के लिए और इतने अच्छे फ्लावर्स के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र ऐड करें, वो हम लोग अब आगे सीखेंगे। वो भी एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, जो केले के छिलके आप लोग घर में अपने फेंक देते हैं खाने के बाद, या फिर संतरे के छिलकों को, उनसे बनी हुई ये खाद है। और ये देखिए, इसको मैंने बनाया था, करीब 3 मंथ्स लगते हैं उसे बनने में, लेकिन मैंने इसे बहुत पहले ही बना लिया था, तो अभी मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपको भी लगता है इसे आपको सीखना है तो मैं इसे सिखा दूँगा आपको। और ये बहुत ही सिंपल है, इतने में आपको 1 मग वाटर में करीब करीब 4 to 5 स्पून ऑफ ये फर्टिलाइज़र आपको ऐड करना है। तो मैं एक इस वाटर को इस प्लांट में डालने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से इसे ना डालें कि ये इनके स्टेम में ना लगने पाए, डायरेक्ट ना लीव्स में, एकदम किनारे से डालिएगा आप, ऊपर से इसे बिल्कुल नहीं डालना। और फिर आप रिज़ल्ट देखिएगा कितना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। जो आप नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स, यूरिया और DAP ये सब डालते हैं, उससे बेस्ट ये फर्टिलाइज़र है। और आप सभी इतने प्यार हैं, मेथड पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं। और ये है कि इसमें हम सरसों की खली का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए आप सबके गांव में, अगर गांव में रहते होंगे तो ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है दुकानों पर, और शहरों में भी अगर आप ये जो स्टोर होते हैं उसमें भी अगर आप उनसे मांगेंगे, जहाँ पर ऑयल बेचा जाता है, तो शायद वो आपको ला करके दे दें। और ये बहुत ही चीप होता है, ये बहुत ज़्यादा प्राइस में नहीं मिलता है, अराउंड 10 to 5 रुपीस ऐसे kg या फिर 2 kg के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो अब हम इसका यूज़ करने वाले हैं, आपको बताते हैं कैसे आपको यूज़ करना है। तो आपको इसे
एक ग्लास ऑफ वाटर में डाल करके ओवरनाइट रख देना है। फिर जब ये देखिए, जब ये इस तरह से सोक हो जाए और पूरा फुल करके ये थोड़ा मिक्स हो जाता है आपस में, जो सॉलिड पार्ट है ये पूरा मिक्स हो करके ऐसे गीला गीला थोड़ा हो जाता है, तो इसे आप क्या करेंगे, इसको 1 स्पून के अकॉर्डिंग केवल इतना 1 मग वाटर में डाल करके इसे अच्छे से घोल लेंगे। अब देखिए ये मेरा एक घोल तैयार हो गया है और अब हम इसे इस प्लांट में अप्लाई करेंगे। तो करीब 50-50 हम दोनों में डाल देंगे इसमें। और ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइजर है और जब कभी भी आप इसे यूज करेगा तो नेक्स्ट टाइम अगर यूज करना हो आपको तो 15 डेज का आप एक ब्रेक ले लीजिएगा। और ध्यान रहे ये पत्तियों पर और डायरेक्ट स्टेम में बिल्कुल भी ना लगे, क्योंकि ये उसे नुकसान पहुंचाता है। और आप जैसा कि देख सकते हैं कितनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव है और आपके प्लांट्स को बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है और बिना किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर्स के आप अपने पेड़ों को बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इन सब छोटे छोटे मैंने ग्रो बैग्स में बना करके लगाए हुए हैं, तो ये सबको इन सबको मैंने यही वाले फर्टिलाइज़र दिए हुए हैं और ये सब अभी फ्लावरिंग करने वाले हैं और इन सब की केयरिंग भी हम आपको जल्दी ही सिखाने वाले हैं। ज़रूरत है कि अब हम अपने डहलिया को फंगस और इंसेक्ट से बचाएं, क्योंकि ये कीड़े और फंगस हमारे डहलिया के प्लांट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये चेक करना होगा कि ये जो इसके नीचे की ये जो पत्तियां हैं ये कहीं ज़मीन से टच तो नहीं हो रही हैं। आप जैसे देख लीजिए, अगर टच हो रही हैं तो उन्हें आप कटर के माध्यम से हटाते रहेंगे। अब हम इन पत्तियों को पिंच कर करके निकाल लेंगे और जो पत्तियां पुरानी हो गई हैं, येलो हो रही हैं, उन्हें भी हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि इन्हीं में इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो और एक दूसरा मेथड है जिससे हम अपने डहेलिया को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन है उसका, उसका ये है कि नीम के तेल को यूज़ करके हम लोग इसमें से फंगल और इंसेक्ट से इसको हम लोग बचा सकते हैं उनके इन्फेक्शन से और उनके अटैक से। तो ये देखिए, ये नीम का तेल है और आप इसे अपने शॉप से कहीं से भी ले सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा, देख रहे हैं आप 30 रुपीज़ में एक बॉटल मिल जाती है। और ठंड के समय में ये जो नीम का प्योर ऑयल होता है वो जम जरूर जाता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा गुनगुना पानी लेंगे, उसमें इस ऑयल को डाल देंगे तो ये तुरंत ही गल जाएगा। अब 1/2 स्पून की मात्रा में हम लोग इसे लेंगे और ये देखिए, ये करीब करीब 2 पिंच मतलब 2 चुटकी की मात्रा में ये हम बेकिंग सोडा लेंगे। तो ये सोडा भी आपको किसी भी दुकान से नॉर्मली मिल जाएगा। तो इन्हीं दोनों को आप वाटर अपने बॉटल में मिक्स करेंगे, स्प्रे बॉटल में मिक्स करेंगे और फिर उसका छिड़काव हर 15 डेज के इंटरवल पर अपने प्लांट्स पर करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको इस पर अच्छे से छिड़काव करनी है और मेरे यहाँ तो अभी बहुत कोहरा है और आप ध्यान से देखें कि आपके यहाँ जब धूप हो तब इन पर छिड़काव करें, ताकि इनकी पत्तियों को इस वाटर से, ठंडे वाटर से कोई नुकसान ना हो। इतने सारी केयरिंग टिप्स और बहुत ही इजी सॉल्यूशंस आप सभी को बहुत अच्छे से पसंद आया होगा और आप सभी बहुत ही इजीली और बहुत ही इजी मेथड में इसे अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और अपने इस केयरिंग टिप को अपने प्लांट्स पर अप्लाई कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप अपने डहेलिया की केयरिंग बहुत अच्छे से करेंगे और इनके बहुत सारे फ्लावर्स को आप इंजॉय करेंगे और देखकर खुश होंगे। तो
और इतने सारे अच्छे अच्छे टिप्स अगर आपको पसंद आए हों सिंपल सिंपल, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग ऐसे ही सिंपल सिंपल टिप्स और इन प्लांट्स की केयरिंग और बहुत सारी चीज़ें आगे भी सीखते रहें।